बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। जी मैं मशहूर इंडिया से आपका मुरीद आपका गुलाम आप राशिद इमरान खान मुनीरी बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह जी, आज हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि तआला के ताल्लुक से उनकी शान में जो सीरत आपने बयान फरमाई है उससे हमारे अकायद और मुर्शिद से मोहब्बत और भी ज्यादा मजबूत हो गई है जी। जज़ाकल्लाहु खैरा। और ये सब आप ही बयान कर सकते हैं जी। हज़रत जी, मेरा सवाल जो है वालिदैन के हुकूक के ताल्लुक से है। हज़रत जी, एक बंदा पूरी ज़िंदगी माँ बाप से अलहदगी अलहदगी इख्तियार करता है, यहाँ तक कि जब बाप को अपनी औलाद की सख्त ज़रूरत थी तब भी उस औलाद ने कभी अपने बाप को नहीं देखा, नज़रअंदाज कर दिया, यहाँ तक कि बाप तकलीफ़ों में बीमारियों में तड़पता हुआ अपनी जान दे देता है। फिर उसका बेटा अपने मरे हुए बाप को गुस्ल देता है, जनाजा पढ़ाता है, तो क्या उसने अपने बाप का हक अदा कर दिया? क्योंकि लोग कहते हैं कि बाप का जनाजा पढ़ाने से बेटे ने बाप का हक अदा कर दिया। इस पर थोड़ी वजाहत फरमा दें जी। शुक्रिया इंडिया से कॉल करने का। हज़रत से इसकी तफसील पूछ ले। ये माशाल्लाह माशाल्लाह इमरान मुनीरी इंडिया में सुर से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला की मोहब्बत को कबूल फरमाए और हज़रत हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह का तस्करा वो क़ुलूब को रोशन करने का जो बाइस बना, मेरे लिए भी सदका जारिया है, आप हज़रात के लिए भी इंशाल्लाह नाफ़े है। अल्लाह तबारक व ताला जो है इन अकाबिरीन उम्मत के नक्शे कदम पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। बाकी आपने फरमाया कि बाप जो है वो सारी ज़िंदगी बेटे ने उसका हक नहीं अदा किया, मरने के बाद बेटा आ गया और वो बाप बुरा वक्त गुजारता रहा और उसने आके जनाजा पढ़ा दिया तो बेटे ने हक अदा कर दिया। तो मतलब ये कि असल में तो इसकी तफसीलात में हम तो जा नहीं सकते ना, हमें इसके अंदर की तफसीलात पता है कि बेटे का बाप से क्या ताल्लुक़ था, अंदरून खाना बेटे का बाप से क्या एक रबता था, बाप का बेटे से क्या रबता था, आपस की क्या मुशावरत थी। तो ये इसकी तफसीलात अगर पता नहीं है तो फिर कोई फैसला करना हमारे लिए मुश्किल है। हम ये कह दें कि बेटे ने जनाजा पढ़ा दिया, हक अदा कर दिया है, या ये कि हमें पता नहीं कि बेटा अंदरून खाना बाप के साथ कितनी जब वो रबते में रहा हो, उसको समझा रहा है, बता रहा है और कह रहा है कि ये कर लें अब वो कर लें, बाप ने उसकी ना सुनी हो, ऐसे वाक़ियात हुए हों। तो इसलिए क्योंकि ये मामला बिल्कुल पर्दा खिफा में है, लिहाजा किसी किस्म का कोई फैसला हमारे लिए करना मुश्किल है। हम जितनी बात के ज़िम्मेदार हैं वो इतनी बात के हैं कि जो मुसलमान मरहूम हो गया उसके लिए मगफरत की दुआ करें, उसके लिए मगफरत की दुआ करें कि या अल्लाह उसकी मगफरत फरमा, उसकी बख्शिश फरमा, उसकी लफ्जियों कोताहियाँ माफ़ फरमा और उसको गरीक रहमत फरमा, उसे कोई अच्छे और नेक काम किए हैं उन कामों को उसके लिए या अल्लाह सदका जारिया बना और उसके जो है वो उसके लिए जो है वो आखिरत में अच्छा मुकाम अता फरमा। तो हम सिर्फ इतने के पाबंद हैं, तभी हदीस में फरमाया कि जो मर जाएँ उनको बुरा ना कहो, इसलिए वो अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं, उनका मामला अल्लाह के साथ सुपुर्द है। जैसे दुनिया के अंदर कोई शख्स अपने अब्बा के सामने खड़ा हो और अब्बा उसके साथ जो पूछ गुछ कर रहा हो तो कोई भी नहीं बोलता, कहते भाई छोड़े अपने अब्बा के सामने खड़ा, अब्बा भुगते और बेटा भुगते। तो जब बंदा रब्बा के सामने चला गया अब हमें क्या हक है कि हम उस पर जो है यहाँ से तबसरे करें? तभी जो नबी ने कह दिया अब आप जो है उसके बारे में कोई खैर की बात कह सकते हो कह दो, क्योंकि आप अपने रब्बा के सामने खड़ा है, रब अपनी रहमत की चादर लपेट के उसको बख्श दे तो आपका क्या जाता है? रब उसको गिरफ्तार कर ले किसी गुनाह के अंदर, पकड़ ले तो आप क्या कर सकते हैं? लिहाजा आप मगफरत और बख्शिश की दुआ करें। बाकी औलाद ने कोताही की उसकी भी दुआ करें, यार इन औलाद को भी तौबा इस्तिगफार की तौफीक अता फरमा, इन्होंने कोताही की है उसको अजियत देने का बाइस बने, या अल्लाह इनको भी मरने से पहले पहले तौबा की तौफीक अता फरमा, इस्तिगफार की या अल्लाह इनको जो है सादा नसीब फरमा, उनके लिए दुआ करें। तो हमारे जो काम बस हम वो करें, वो काम हमें करने की जरूरत नहीं, जो अल्लाह का काम है अल्लाह का काम अल्लाह करेगा, हमारे लिए बख्शिश की दुआ इस्तिगफार है बनता है वो उनके लिए मरहूम के लिए करें, पर ये काफ़ी है, इससे मजीद बात करना ये हमारी गर्दन पर भी खामखा का बोझ हो सकता है।